हिमाचल पेंशन कल्याण संघ की बैठक सामूहिक ब्लॉक खंड एवं जिला की मीटिंग निहली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जगदीश चंद भारद्वाज के द्वारा की गई। इसमें ब्लॉक खंड प्रधान गरीबदास प्रीतम चंद राणा, हरि सिंह धर्म सिंह राणा, किशन चंद कैशियर ने भी हिस्सा लिया। बैठक में मांग की गई कि पुरानी पेंशनों को लाभ दिया जाए और पुरानी पेंशन प्रणाली को जल्द बहाल किया जाए। वहीं ये भी मांग रखी कि कर्मचारी को पुनः नियुक्त न करे। प्रदेश उच्च न्यायालय पत्र संख्या 201/217 दिनांक 19/12/2017 के निर्णय के अनुसार मांग की गई कि जल्द कर्मचारी की मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है जी आपका? जगदीप चंद। क्या समस्या है सर आपकी? हमारी समस्या ऐसी है कि मैं माता पिता पेंशन जिला का अध्यक्ष हूँ। हमारी समस्या ये है कि जो PTI और बैंक टीचर हैं, वो काफ़ी सालों से बच्चे पर कोर्स की है, उनकी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी नियुक्ति मंजूर करें। दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि जो पेंशनों की जो DA रोका सरकार ने, उसको शीघ्र दिया जाए। और COVID-19 का जो टीके लगा रही है सरकार, सीनियर सिटीजन और पेंशनों की जो पहले मतलब लगाया जाए ताकि लाइन में ना लगना पड़े। और सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार अब कर्मचारियों की नियुक्ति पुनः ना करें और बेरोजगारों को जो है वो मौका दें। यही मेरा सरकार से मांग है, तथा मैं अपने पेंशन भाइयों से मांग करता हूँ कि जो अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो मतलब कोषाध्य के अधिकारी के पास अपना दें, ताकि उनकी पेंशन में कोई लेने में बाधा न पड़े।